हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरिदत्त पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई प्रॉपर्टी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपको लेके आया हूँ हिमाचल की खूबसूरत वादियों में। और जिस जगह मैं आपको लेके आया हूँ, ये है बेसिकली नालदेहरा। इसका जो डिस्टेंस है शिमला से अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर के आसपास है। और जैसा कि जगह मैंने आपको बताई है, नालदेहरा ये जगह है। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर हिमाचल की वादियों में मैं आपको आज लेके आया हूँ। और फ्रेंड्स, आज बेसिकली मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाने लेके आया हूँ। जो ये जो प्रोजेक्ट है, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 100 एकड़्स, यानी 100 एकड़ से बड़ा ये प्रोजेक्ट है, जिसमें कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसा कि 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, और अगर आप चाहें इंडिपेंडेंट कॉटेजेस इसमें आपको मिल जाते हैं, इंडिपेंडेंट विलास इसमें आपको मिल जाते हैं, तो सारी ऑप्शंस इसमें अवेलेबल रहेंगी। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको सैंपल दिखाने जा रहा हूँ 4 BHK डुप्लेक्स पेंट हाउस, जो कि पार्ट ऑफ ये प्रोजेक्ट है। और फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है, 100 एकड़ से बड़ा ये प्रोजेक्ट है। और इसकी जो फैसिलिटीज़ की मैं अगर बात करूं, इसके अंदर एक फुल्ली जो इक्विप्ड आपको क्लब हाउस इसमें आपको मिल जाता है, जिसमें कि इंडोर गेम्स का प्रोविज़न रहेगा, जिम रहेगा। और इसमें जो जिम है वो इंडोर के साथ साथ जो आउटडोर जिम भी इसमें आपको मिलता है इस प्रोजेक्ट में। और इसके अलावा जो इंडोर गेम्स हैं वो इसमें रहेंगी, जो पार्टी हॉल वो इसमें रहेगा, एक फुल्ली जो ऑपरेशनल रेस्टोरेंट इसमें आपको मिल जाता है, और इसके अलावा जो टेनिस कोर्ट इसमें रहेगा। और सबसे बड़ी बात, इस प्रोजेक्ट का एक अपना प्राइवेट हेलीपैड है, यानी अगर आप चाहते हैं चंडीगढ़ से वाया हेलीकॉप्टर यहाँ पे आना, तो डायरेक्ट आप इस प्रोजेक्ट में वाया हेलीकॉप्टर भी चंडीगढ़ से आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये है मेन एंट्रेंस रहेगी टूवर्ड्स, जो कि हमारा 4 BHK का मैंने आपको बताया डुप्लेक्स पेंट हाउस है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 4 BHK डुप्लेक्स पेंट हाउस का सैंपल फ्लैट। तो आइए, ये रहेगी फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमारी मेन एंट्रेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत मेन एंट्रेंस इसकी है। और जैसे स्टेप से आप नीचे आते हैं, एक बहुत सुंदर बड़ा सा डोर मेन एंट्री पे। और ये रहेगा हमारा फॉयर एरिया। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है जो इसका इंटीरियर अगर आप देखेंगे। जैसे ही आप इस फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं, जो खूबसूरती है वो खुद बयान करती है कि कितना अच्छा जो ये फ्लैट बना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये तो है हमारा ड्राइंग एरिया। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी सिटिंग अरेंजमेंट इसमें आपको मिल जाती है। और जो ये वाइट पार्ट्स आप मेरी बैक साइड पर देख रहे हैं, ये हैं आपके विंडोज़। तो इनसे जो आपकी बाहर वैली है, उसका बहुत ही सुंदर जो व्यू इसमें आपको मिलता है। देखिए कितना सुंदर, कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन इसमें आपको मिलता है। और फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूं, सारी ही जो है ये वुडन फ्लोरिंग इसमें आपको मिलती है। और फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारा डाइनिंग एरिया। आप इसमें देख सकते हैं अभी 8 सीटर जो डाइनिंग अरेंजमेंट इसमें किया गया। अगर आप चाहें तो इससे बड़ा अगर इसमें डाइनिंग अरेंजमेंट करना चाहें, वो भी ईजिली इसमें हो सकता है, काफ़ी स्पेस इसमें है आप देखेंगे। और फ्रेंड्स, ड्राइंग एरिया से बाहर आप देखेंगे, ये है बहुत बड़ी एक बालकनी, जिसमें कि आप देखेंगे अगर आप चाहें तो अपना एक जो प्राइवेट छोटा सा पार्क है वो इसमें आप बना सकते हैं इजीली। और इसी के साथ ये है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, अगर आप चाहें मॉर्निंग इवनिंग में अगर आप अपनी टी कॉफ़ी इंजॉय करना चाहें। और अगर आप इसका व्यू देखेंगे, ये जो सबसे बड़ी खूबसूरती है इन फ्लैट्स की, इस प्रोजेक्ट की, आप देखिए कितना अच्छा व्यू इसमें आपको मिलता है। एक तरफ ग्रीनरी और एक तरफ जो वैली का जो व्यू, माउंटेन्स का जो व्यू है वो इसमें आपको मिलता है। और अगर आप मेरे सामने देख पाएंगे, जैसा मैं आपको सैंपल फ्लैट दिखा रहा हूँ, उसी तरह इसमें और भी फ्लैट्स बने हुए हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया अभी वीडियो की स्टार्टिंग में, कि इसमें जो ऑप्शंस हैं आपको सारी मिल जाएंगी। अगर आप चाहें 2 BHK वो भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें 3-4 BHK वो भी अवेलेबल है, और अगर आप कॉटेज चाहें। और हाँ, एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि कॉटेज आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बनवाना चाहते हैं, तो कस्टम मेड कॉटेजेस भी अवेलेबल है, यानी कि चॉइस आपकी रहेगी, बना के हम आपको देंगे। और अगर चाहें आप हमारा वाला डिज़ाइन भी चूज़ कर सकते हैं। ले चलता हूँ इसकी किचन की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा है हमारा डाइनिंग एरिया था, इसके बाद ये है हमारा किचन।
काफ़ी खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन वाला किचन इसमें आपको मिल जाता है। देखिए कितना खूबसूरत किचन है। और जो इसके सामने अगर मैं विंडो की बात करूँ, किचन से भी आपको जो वैली का एक खूबसूरत व्यू इसमें आपको मिलता है। और अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूँ, इसमें भी जो वुडन लुक का जो टाइल्स है उसका इसमें यूज़ किया गया है इसकी फ्लोरिंग के लिए। बाकी पूरा जो फ्लैट है उसकी फ्लोरिंग के लिए आप देख सकते हैं वुडन की जो फ्लोरिंग वो इसमें की गई है। और मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था ये 4 BHK है, जिसमें से कि जो इसका फर्स्ट बेडरूम है वो है इसके ग्राउंड फ्लोर पर। आप ये देखिए कितना बड़ा और कितना खूबसूरत बेडरूम। इतने बड़े जो बेड जो आप देखेंगे, इतना बड़े बेड का जो साइज़ है, उसके बावजूद भी इसमें प्रॉपर एक जो सिंगल सीटर सोफ़ा इसमें है और अलमीरा इसमें दी है, उसके बावजूद भी इसमें आप देखेंगे काफ़ी स्पेस इसमें बच जाता है। और फ्रेंड्स इस बेडरूम के साथ भी एक प्राइवेट बालकनी इसमें आपको मिलती है। देखिए कितनी खूबसूरत बालकनी। और इसी के साथ जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ड्राइंग रूम से एक बहुत ही अच्छी जो वैली का व्यू इसमें आपको मिलता है। आइए फ्रेंड्स, ये है हमारे बेडरूम का अटैच वॉशरूम। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत वॉशरूम है, काफ़ी बड़े साइज़ का वॉशरूम है। और अगर मैं टाइल्स की बात करूँ, फुल हाइट की टाइल्स का यूज़ इसमें किया गया है और एंटी स्केट टाइल्स रहेंगी आपकी फ्लोरिंग पे। एक बहुत खूबसूरत वैनिटी इसमें आपको मिलती है। तो काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको ले चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ। इसके जो 2 बेडरूम हैं वो है फर्स्ट फ्लोर पर और 1 बेडरूम आपको मिलेगा टॉप फ्लोर पर, यानी कि सेकंड फ्लोर पर। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत जो वुडन की स्टेयर्स इसमें मिल जाती हैं आपको। और अगर स्टेयर्स से मैं बात करूं, यहां से भी आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है हमारा सेकंड बेडरूम जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है। और ये बेडरूम भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी स्पेशियस है जैसा कि आप देख सकते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा, जैसा कि आप देखेंगे जो सेंट्रली लोअर का इसमें ऑप्शन आपको मिल जाता है, यानी जो पूरा घर है वो सेंट्रली हीटेड रहेगा। और इस अगर मैं विंडो की बात करूँ इस रूम से, देखिए फ्रेंड्स इस विंडो से जो व्यू दिखता है कितना खूबसूरत व्यू है। नॉर्मली इसी व्यू के लिए जो ये प्रॉपर्टी है जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। और ये एक और सिटिंग एरिया आपके बेडरूम के अंदर ही, अगर इसमें भी आप नोटिस करेंगे चारों तरफ जो है बड़ी बड़ी विंडोज आपको मिलती है। उस फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी विंडोज दी गई हैं सिटिंग एरिया में। और इन विंडोज़ का जो मेन रीज़न है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए अगर आप ये सारी विंडोज़ ओपन करेंगे और अगर डे टाइम में अगर आप अपना जो टाइम है यहाँ स्पेंड करना चाहते हैं, तो चारों ही तरफ से जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत व्यू इसमें आपको मिलेगा। तो ये ब्यूटी है इस रूम की, जैसा कि मैंने आपको बताया है जो बड़ी बड़ी विंडोज़ का क्या यूज़ किया गया है। आइए फ्रेंड्स, ये है हमारा इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम। कितना बड़ा कितना खूबसूरत वॉशरूम इसमें दिया गया है, जिसमें कि जकूजी विद बाथ टब उसका भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको ले चलता हूं थर्ड बेडरूम की तरफ। और फ्रेंड्स ये है हमारा थर्ड बेडरूम। जैसा कि आपने पहले वाले बेडरूम देखे हैं, काफी स्पेस है इस बेडरूम में भी। एक विंडो आपको फ्रंट साइड में मिलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया जो इस फ्लैट का फ्रंट व्यू है वो इस विंडो से आपको मिलेगा। एंड अगेन जैसा कि हमने ड्राइंग रूम में और फर्स्ट बेडरूम में देखा था, इस बेडरूम में भी आपको एक जो आपकी प्राइवेट बालकनी इसमें आपको मिलती है। अगेन अगर मैं व्यू की बात करूँ, बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत व्यू इससे आपको मिलता है पूरी वैली का, जो कि मेन रीज़न होता है आपका हिल एरिया में प्रॉपर्टी परचेज करने का। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर एनवायरनमेंट की मैं बात करूँ, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है इस एरिया का, फ्री ऑफ पोल्यूशन। और
फ्रेंड्स ये है इसका अटैच वॉशरूम इस थर्ड बेडरूम का। जैसा कि आपने पहले वाले वॉशरूम देखे हैं काफ़ी स्पेशियस काफ़ी बड़े, और कलर कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं हर वॉशरूम का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट रहेगा। और फुल हाइट की जो टाइल्स हैं वो वॉल्स पर और एंटी स्किड टाइल्स फ्लोरिंग पर। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको ले चलता हूँ सेकेंड फ्लोर की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया काफ़ी खूबसूरत स्टेयर्स हैं, और अगर मैं स्टेप्स की बात करूं जो ग्रेनाइट है उसका यूज़ किया गया है स्टेप्स पर। और फ्रेंड्स अगेन जैसे ही आप अपने सेकंड फ्लोर पर एंटर करेंगे सबसे पहले तो ये है आपका सिटिंग एरिया, ये आपका रहेगा लाउंज एरिया, आपका सिटिंग एरिया, आपका जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहें फैमिली के साथ। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये है हमारा फोर्थ एंड लास्ट बेडरूम। और जैसा कि आपने पहले वाले बेडरूम में भी देखा है काफ़ी स्पेशियस हैं, और विंडोज दोनों तरफ इसमें आपको मिल जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है नीचे वाले बेडरूम में भी प्रॉपर वेंटिलेशन इसमें आपको मिलती है। और फ्रेंड्स इस बार बेडरूम में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है आपकी जो प्राइवेट बालकनी का, अगेन बहुत अच्छा व्यू वैली का। और फ्रेंड्स ये रहेगा इसका अटैच वॉशरूम, इसमें भी अगर आप देखेंगे कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स अगर आपने नोटिस किया होगा जो साइजेस हैं चाहे वो बेडरूम के साइज़ हों चाहे वो आपके वॉशरूम के साइज़ हों काफ़ी बड़े और काफ़ी स्पेशियस जो रूम साइज़ वॉशरूम साइज़ दिए गए हैं, इवन जो आपका सिटिंग एरिया आपका डाइनिंग एरिया ड्राइंग एरिया है वो भी काफ़ी स्पेशियस है, स्पेस की कोई भी कमी नहीं है किसी भी फ्लोर पर। और फ्रेंड्स जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर पर देखा था हमारे ड्राइंग रूम से एंट्रेंस होती थी एक सिटिंग एरिया के लिए एक हमारी बड़ी सी बालकनी के लिए, तो सेम कंसेप्ट रहेगा आपका सेकंड फ्लोर पर भी। ये एरिया जो अगर आप देखेंगे ये रहेगा आपका सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, तो अगर आप चाहें इसमें 5 सीटर 6 सीटर जो सिटिंग अरेंजमेंट इजीली कर सकते हैं। एंड अगेन फ्रेंड्स ये है हमारा बहुत ही सुंदर खूबसूरत व्यू, जिस व्यू के लिए जो ये प्रॉपर्टी एक किसी मायने में बहुत ज़्यादा उसकी जो इम्पोर्टेंस हो जाती है वो है फ्रेंड्स बेसिकली ये व्यू जो कि चारों तरफ आप मेरे देख सकते हैं, बहुत ही जो एक खूबसूरत और एक शांत माहौल इसमें आपको दिया गया है। तो होपफुली फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये 4 बेडरूम डुप्लेक्स पेंट हाउस है, और लोकेशन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स ये लोकेशन रहेगी नालदेहरा जो कि शिमला से अप्रॉक्सीमेटली 23 से 25 किलोमीटर दूर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 100 एकड़ से बड़ा एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि आपको क्लब हाउस की फैसिलिटीज़ और टेनिस कोर्ट इसमें आपको मिल जाता है, और जो क्लब हाउस है वो फुली फंक्शनल क्लब हाउस है। और फ्रेंड्स इसमें जो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक इस प्रोजेक्ट का प्राइवेट हेलीपैड है, तो यानी अगर आप चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर सर्विसेज चंडीगढ़ से पिक एंड ड्रॉप आपको डायरेक्ट इस प्रोजेक्ट के लिए मिल जाता है। और फ्रेंड्स इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं या इस प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहते हैं तो प्लीज़ जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर हाजिर होंगे एक नई प्रॉपर्टी के साथ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।